हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेन नॉलेज। मैं हूं आपका फ्रेंड सचिन। आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले मिसिंग टर्म इंटरपोलेशन। तो इसमें आज हम दो वैल्यू का मिसिंग टर्म फाइंड आउट करेंगे। इसके पहले अब फ्रेंड्स हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम एक मिसिंग टर्म वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। अगर आप वीडियो ना देखे हो तो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दी हो तो आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग दो मिसिंग टर्म फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हो कि फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और फ्रीक्वेंसी क्या है, y इज इक्वल टू 3। ये हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। इसके बाद 20, 12, ये हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट, मतलब हमें दो मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। तो इसको फ्रेंड हम मान लेते हैं, ये हमारा, इसको हम वाई वन मान लेते हैं, इसको हम y0, y1, इसको हम y2 मान लेते हैं, ये हमारा y3 हो गया, ये हमारा y4। इसलिए मान लें कि भी हमें नीचे भी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके रिक्वायरमेंट में पड़ेगी। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी डिग्री चेक करते हैं। डिग्री चेक करने का मतलब कि y के कितने वैल्यू दिए हुए। तो y के हम देख रहे हैं 1, 2, 3, तो y के 3 वैल्यू दिए हुए, इसलिए जो हमारा डिग्री इसका हो जाएगा 3। फ्रेंड्स यहाँ पे हम दो इक्वेशन साथ में लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमें दो मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। एक बार हम इसको क्या मान लिए, इसको हमें एक बार y1 निकालना है, y4 निकालना है। तो हम क्या करें कि दोनों का मेथड सेम ही है तो दोनों को हम साथ साथ सॉल्व करते चले जा रहे हैं। तो हमें बाद लास्ट में देख रहे हैं हमें दो इक्वेशन मिलेगा, इसी को हमें एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके हमें y1 y4 का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा डिग्री चेक हो गया, तो जितना भी डिग्री रहेगा इसको हम डेल के पावर में लिखते हैं। तो डेल पावर 3 y1 इज इक्वल टू 0, ये हमें निकालना है। पहला हम मिसिंग टर्म इसलिए हम y1 लिए, और यहाँ पे हमें ये दूसरा वाला मिसिंग टर्म निकाल रहे हैं फ्रेंड, इसलिए यहाँ पे हम y4 इसका देख रहे हैं कौन से स्थान पे है। इसको हम जब नंबरिंग किए तो ये y4 है, इसलिए डेल्टा क्यूब y4 इज इक्वल टू 0। जब डेल्टा को हटाएंगे तो ये -1 लिख सकते हैं। देखिये दोनों क्वेश्चन में साथ साथ सॉल्व कर किए हुए हैं। इसके बाद जब डेल्टा को टाइम e-1 होगा, जब e³-1 जब डेल्टा की जगह इसके वैल्यू रखेंगे e⁻³y₁=0, या इसमें जब रखेंगे e⁻³y₄=0। अब फ्रेंड इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें लगा देते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसके बाद हम लगाते हैं इसमें बाइनोमियल थ्योरम। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, ये होगा e³³ - 3c₁e₂ + 3c₂e₁ - 3c₃। इसके बाद क्या होगा 3c³e₀, फिर इसके बाद क्वेश्चन बंद y₁=0। इसी प्रकार जब इसमें बाइनोमियल लगाएंगे e³ - 3c₁e²+ 3c₂e₁e²-3c₃e₀, इसके बाद क्या है y₄ से मल्टीप्लाई करें = 0। और फ्रेंड अब इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कर लेंगे। e³ को हम y³ लिख सकते हैं। फ्रेंड अब ये बात आई कि nc₁ इसको वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका फ्रेंड्स फार्मूला होता है, अगर जैसे मान लीजिए n³c₁ है ना, तो इसका फार्मूला होता है कि 3 factorial इसको हम लिखेंगे अपॉन 1 का फैक्टोरियल, इसके बाद लिखेंगे 3 - 1 का होल फैक्टोरियल। मीन्स जब इसको करेंगे 3 factorial upon 1 factorial, और इसको 2 factorial, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं 3 × 2 factorial। फ्रेंड्स ये 2 से जब 2 factorial कटेगा तो हमारा कितना वैल्यू आया 3, इसलिए y³ - 3y₂। इसी प्रकार इसको जब निकालेंगे 3y₁ निकलेगा, और इसके बाद फिर इसको जब हम सिंपल फॉर्म में करेंगे तो y₀ × y₁। इसी प्रकार इसमें y³ - 3y₂ + 3y₁ - y₀ मल्टीप्लाई किसे है y₄=0। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा y₀ का वैल्यू, ये हमारा y₁ का वैल्यू, ये हमारा y₂ का वैल्यू, ये हमारा y₃ का वैल्यू है, ये हमारा y₄ का वैल्यू है। अब इन्हीं सारे वैल्यूज को हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं। जैसे अब क्या है हमारा y₃, तो y₃ का वैल्यू देख रहे हैं 12 है, -3 × y₂ का वैल्यू हमारा कितना है 20, जब 20 × 3 करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसके बाद 3
y1 का वैल्यू निकालना है, इसलिए y1 लिख दिए, माइनस y0 का वैल्यू हमारा कितना -3 है, फिर y1 से मल्टीप्लाई करना, y1 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार इसमें हम देखेंगे y3 का वैल्यू हमारा 12 है, 3 इंटू y2 का वैल्यू हमारा 20 है, इसलिए +3 y1 का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट ही करना है, तो y1 -3। इसके बाद ये इसके बाद क्या होगा, y4 इंटू y4 इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा ये। अब हमारा क्या है कि इसको हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं। जब कैलकुलेट करेंगे तो -5y1 + 3y1 का होल स्क्वायर, इसको y1 का इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स। इसी प्रकार इसमें हम y4 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब y4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -51y4 + 3y1y4 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स अब ये जो हमारा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके हमें y1 और y4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, कैंसिलेशन फॉर्म लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जब हम ऐड करेंगे, जब फ्रेंड्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसमें हम -51 कॉमन ले सकते हैं। जब -51 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y1 + y4 हो जाएगा, प्लस इसमें हम क्या कर सकते हैं, 3y1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y1 स्क्वायर है, यहाँ आप देख रहे हैं y1 है, तो 3y1 जब कॉमन ले लिए तो हमारा क्या, 1y1 बचा प्लस y4 बचा। अब फ्रेंड्स हम इन दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि y1 + y4 इज दोनों में कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार y1 + y4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, एक बार फिर क्या लेंगे, -51 + 3y1 इज इक्वल टू 0 लेंगे। अब इससे क्या होगा, ई हमें इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, और ये जो हमारा -51 + 3y1 है, इसको फ्रेंड जब सॉल्व करेंगे तो y1 का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। अब इसी y1 का वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे, जो यही y1 का वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे, तो हमारा जो y4 का वैल्यू है फ्रेंड्स कितना आ रहा है, -27। तो ये हमारा मिसिंग टर्म निकल गया, एक हमारा 27 आएगा और दूसरा हमारा क्या आएगा, -27। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मिसिंग टर्म वैल्यू, जिसमें हम दो मिसिंग टर्म फाइंड आउट किए। फ्रेंड्स अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आ तक पहुंचे। थैंक यू।